दोस्तों, अगर आपको जिंदगी भर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले बाहर के खाने की चीजों को अवॉइड करना होगा, जैसे जंक फूड, मसालेदार खाना, ज्यादा गर्म की चीजें, शराब, सिगरेट। ये हमारी सेहत को बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसकी वजह से शरीर में बहुत सी बीमारी दस्तक देती है। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित समस्या है, जो लोग चेहरे की झुर्रियां, कील, मुहासों से निजात पाना चाहते हैं तथा अपनी त्वचा को सुंदर बनाना चाहते हों, पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं तथा पाचन की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, शरीर की हड्डियां कमजोर हो गई हैं और शरीर में अक्सर दर्द रहता है, शरीर में खून की कमी है, आप काफ़ी कमजोर महसूस करते हैं, किसी भी काम को करते हुए जल्दी थक जाते हैं, किडनी में प्रॉब्लम है, आँखों की रोशनी कमजोर है, तो आज मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका सेवन करके आप इन सारी समस्या से निजात पा सकते हो। और आपको इसे सिर्फ 15 दिनों तक फॉलो करके देखना है। इतने दिनों में ही आपके शरीर में बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। आपको भीगे हुए और उबले हुए मूंगफली के साथ गुड़ का सेवन करना है। मूंगफली में प्रोटीन मीट एग से भी ज्यादा होता है। ये चीज आपको अंदर से स्ट्रांग और बाहर से खूबसूरत बना देगी। अब जानते हैं कि आपको कितनी मूंगफली खानी है और किन लोगों को मूंगफली बिल्कुल भी नहीं खानी, यह कौन से बीमारियों में ज्यादा फायदा करता है। जिनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मूंगफली के अंदर बहुत सारा मोनोसैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाता है। इसके अलावा जिनके दांत कमजोर हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जॉइंट्स में हमेशा पेन रहता है, थकान सुस्ती लगी रहती है, उनको भी रोजाना मूंगफली जरूर खाना चाहिए। दूध पिलाने वाली माताएं, उनको भी रोजाना मूंगफली जरूर खानी चाहिए, ये दूध की मात्रा को बढ़ाती है। इसके अलावा बड़ों को, बच्चों को मूंगफली जरूर खानी चाहिए, यह माइंड को तेज करने का काम करती है। मूंगफली के अंदर थायमिन पाया जाता है, जो मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र तक एनर्जी लेकर जाने का काम करती है। मूंगफली के अंदर मैग्नीज होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको एक मुट्ठी मूंगफली रोजाना जरूर खाना चाहिए, लेकिन बगैर गुड़ की। जिनका हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ड्राई और बेजान डल दिखता हो, तो आपको बता दूं कि ये शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से होता है, और मूंगफली में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर, फोलेट, नियासिन होता है, जो आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखने में हेल्प करता है। इसमें कैल्शियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक पाए जाते हैं, जो हमारे ओवरऑल बॉडी को हेल्दी और बीमारियों से दूर रखते हैं। अब जानते हैं आपको कितनी मात्रा में मूंगफली खानी है। आपको रोजाना एक मुट्ठी यानी कि लगभग 50 से 60 ग्राम मूंगफली ही खानी है। आप इसे भूनकर, बॉईल कर या ऐसे ही खा सकते हो। सुबह नाश्ते के साथ या दोपहर खाने खाने के 2 घंटे बाद 20 ग्राम मूंगफली गुड़ के साथ खाइए। अब जानते हैं किन लोगों को मूंगफली का सेवन नहीं करना है। जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो मूंगफली का सेवन न करें। अगर खा रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में अच्छे से चबा चबा कर खाएं। इसके अलावा जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो मूंगफली न खाएं। जिनको पीलिया की बीमारी है, वो लोग भी मूंगफली न खाएं। पेट में गैस बनती है तो वो लोग मूंगफली न खाएं। इसके अलावा जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग डॉक्टर की सलाह लेकर ही मूंगफली का सेवन करें। मूंगफली की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे हमेशा ठंड में खाइए। गर्मी के दिनों में अगर खाते हैं तो इससे पेट खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, फायदेमंद लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगा एक नए अगले वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।